साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई दुबई यूएई से रिलेटेड। आपको भाई मैं तो सीरियल पूछे तो दुबई बहुत बेस्ट कंट्री है और मुझे तो लगती भी है भी हकीकत में। मैं 18 घंटे रियल बता रहा हूं, ऑनलाइन में घुसा रहता हूं, हर कंट्री की न्यूज़ मैं देखता रहता हूं, लेकिन जितने फैसले लेबर हित में दुबई यूएई गवर्नमेंट देती है उतने मैं कोई भी सरकार के लिए नहीं बोलूंगा कि मैंने पहले भी बोला है, और कोई भी सरकार इतने अच्छे फैसले लेबर हित में नहीं दे सकती। और सबसे बैक अगर देखा जाए तो मलेशिया गवर्नमेंट इतनी बेकार और थर्ड फोर्थ कैटेगरी की कंट्री मैं सरकार को मानता हूँ कि जेल में बैठे हुए लोगों को भी वो मारना चाहती, वो नहीं चाहती कि वो इंडिया अपने बंदे पहुंच जाए या फिर पाकिस्तान पहुंच जाए। हर कंट्री के साथ वो गलत कर रहा है। सबसे बेकार कंट्री में अगर लेबर लॉ देखा जाए तो मलेशिया में है, सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो भाई दुबई लेबर लॉ के हिसाब से बहुत बेस्ट है। क्योंकि आज हालांकि ये न्यूज़ में 3 दिन 4 दिन बाद में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई सब वीडियो बनाने पड़ते हैं इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता ये न्यूज़ देने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया वीज़ा फाइन से रिलेटेड, गवर्नमेंट ने जो माफ़ किया है, बहुत सारे लोगों ने बोला सर ये सही है क्या, हमें बताएं। तो भाई मैं सोचा चलो वीडियो के माध्यम से आपको सबको आंसर दे देता हूं मैं। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा साथियों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने डाला था जॉब से रिलेटेड, तो लगभग 100-150 लोगों को मैंने भाई वहाँ का नंबर दे दिया ऑफिस का। अब आप अपने स्तर पर ट्राई कर लें, आपको जॉब सूट होता है नहीं होता है, आपको उनकी शर्तें मंजूर होती हैं नहीं होती हैं। मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, अब आपका और उनके बीच का डील है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं सर कैसे होगा, भाई मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, आप अपने स्तर पर ट्राई करें, क्योंकि आप लोकल वहाँ जाके ट्राई कर लीजिए ऑफिस में, ठीक है। ये तो अलग बात हो गई। आगे बता दूं साथियों फ़्लाइट शेड्यूल का, मैंने पहले भी बताया दुबई के लिए जो आने वाले 7 दिन में सबसे ज़्यादा फ़्लाइट हैं, 11 फ़्लाइट हैं दुबई के लिए, ठीक है। और या तो दुबई है या फिर अमेरिका के लिए हैं 10-11 फ़्लाइट, और दुबई के लिए 11 फ़्लाइट हैं। ये न्यूज़ हो गई। मेन न्यूज़ साथियों मुझे ये देनी थी कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट ये घोषणा नहीं करती, जो कौन सी घोषणा मैं बता दूं, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए मार्च से पहले 2020 मार्च से जो वीज़ा एक्सपायर हो गए थे 1 साल से 2 साल से 3 साल से, और आपको पता भाई दुबई में फ़ाइन कितना भयंकर तरीके से पड़ता है। क्योंकि मेरा जो साथी है, मेरा जो दोस्त है, उसका मेरा नाम राशि मेरा बंदा है जानकार मेरे गांव का, उसका 9-10 हज़ार दुबई दराम फाइन हो चुका था 5-6 महीनों के दौरान। अगर ये फाइन गवर्नमेंट माफ़ नहीं करती तो 10 हज़ार दराम वो देख के अगर ब्लैक लिस्ट नहीं होना तो उसको आना पड़ता। 10 हज़ार दराम का देख लो साथियों 2 लाख से ऊपर होता है। तो भाई गरीबों के लिए और क्या चाहिए यार, कितनी अच्छी और बेस्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट ने दी है। अब इसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि मार्च 2020 से पहले जितने भी टाइम से पहले तक जितने भी वीज़ा एक्सपायर हुए हैं, आप खली बल्ली में काम कर रहे थे, कुछ भी आपके साथ था, आपका फ़ाइन बढ़ रहा था, आप इंडिया नहीं आना चाह रहे थे, तो भाई गवर्नमेंट ने बिल्कुल आपका फ़ाइन माफ़ कर दिया है पूरा का पूरा, कोई भी पैसा आपको नहीं देना। और इसका टाइम बढ़ा दिया 18 मई से लेके 18 अगस्त यानी 3 महीने के दौरान आप अपने देश आ सकते हो, चाहे आप पाकिस्तानी हो, चाहे आप इंडियन हो, चाहे नेपाली बंगाली कोई भी हो, आगे 18 मई से 18 अगस्त तक यानी 3 महीने के दौरान इंडिया आ सकते हो, जिसमें आपको नहीं तो फाइन किया जाएगा, नहीं आपको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। आप दोबारा से दुबई जा सकते हो, वर्क परमिट में कैसे भी आप जाना चाहो दोबारा से आप वर्क परमिट जा सकते हो, नहीं आपको कोई जेल होगी, नहीं आपको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, कोई डिपोर्ट कोई सज़ा कुछ भी नहीं है। तो भाई कितनी अच्छी न्यूज़ है, मैं तो बहुत अच्छी न्यूज़ मानता हूँ, क्योंकि इतने लोग बैठे हैं वहाँ पे जो मजबूरी में वीज़ा एक्सपायर हो गए या फिर कुछ रीज़न हो गए, कुछ भी एक्सपायर डेट मान लीजिए, जो फाइन अफोर्ड नहीं कर पाते। दुबई का फ़ाइन बहुत महंगा पड़ता है, पर डे बढ़ता है 50 दराम 100 दराम इस तरह से बढ़ता है, तो कितना हो जाता है। भाई मेरे साथी का भाई 10 हज़ार दराम फाइन माफ़ हुआ तो मैं तो बहुत खुश हूँ, दुबई को बहुत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन जैसे बहुत सारे गरीब बंदे बैठे हैं जो इसी वजह से डरते हुए नहीं आ रहे थे इंडिया की कैसे जाएं, फाइन नहीं है, वैसे जाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट ब्लैक लिस्ट करके इंडिया भेज देगी। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं सर मार्च के बाद में जो एक्सपायर हुए उनका क्या होगा, तो भाई दुबई तो बेस्ट ही है, कहने की जरूरत ही नहीं है। मार्च से पहले तो गवर्नमेंट ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मार्च के बाद में जो वीज़ा एक्सपायर होंगे उनको 31 दिसंबर तक वैसे ही बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, 2020 31 दिसंबर तक वैसे ही बढ़ा दिया, तो कितना फ़ायदा हुआ। यानी मार्च से पहले एक्सपायर हो गए उनको वीज़ा माफ़ कर दिया गया, और जो मार्च के बाद में जो वीज़ा एक्सपायर हो गए यो कोविड-19 कोरोना में, उनको गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। तो यार इससे ज़्यादा न्यूज़ क्या अच्छी हो सकती है।
दुबई सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, देखो भाई जहाँ खाना खाते हैं ना वहाँ कुछ टुकड़े गिरते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको ऐसा नहीं हो सकता कि 40 लाख में से अगर 1 लाख लोगों को दिक्कत है तो वो बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है। इतनी दिक्कत तो अपने घर रहेंगे ना वहाँ पर भी आने वाली है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रॉब्लम तो चलती रहती है। लेकिन दुबई गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसला है ये। तो साथियों मैंने आपको बता दिया, अगर आपको लेकिन मैं बता दूं, अगर आपका फाइन माफ हुआ है तो आप उसमें वीजा नहीं लगवा सकते, क्योंकि वीजा लगवाने के लिए आपको इन आउट होना पड़ेगा। अब पहले तो क्या दुबई के लोग ओमान मस्क चले जाते हैं, सस्ता वहाँ पास में पड़ता है, अभी एंट्री बंद है, तो इसके लिए आप या तो वेट करिए, वहाँ इंडिया का भी आप नहीं आ सकते, इंडिया की भी फ्लाइट कहाँ चल रही है, तो आप वेट करेंगे तो हो सकता है और सब फ्लाइटें खुल जाएँ तो आप वहीं से आप इन आउट होके आप वीज़ा अपना कन्वर्ट करवा सकते हैं, आगे किसी भी कंपनी में 2 साल का वीज़ा लगवा सकते हैं, या फिर आप इंडिया आना चाहें तो इंडिया आके फिर आप दोबारा जा सकते हैं बिना ब्लैकलिस्ट हुए, बिना कोई जुर्माना दिए। तो भाई बहुत अच्छी न्यूज़ है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी लगी। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपके साथी जो दुबई रहते हैं जिनको किसी वजह से वीज़ा वगैरह एक्सपायर हो गया है, तो उनको भी ये मैसेज ज़रूर दीजिए, वीडियो ये ऑडियो है वो शेयर कीजिए ताकि सब लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे। बस आज की जानकारी यही थी साथियों, नेक्स्ट जानकारी जैसे मेरे पास कोई अपडेट आती है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि जैसे नोटिफिकेशन आए आपके पास पहुँचे सबसे पहले। जय हिंद, वंदे मातरम।